असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी अनायतुल्ला खान कासी ने कहा है कि मुलाजमत में ट्रांसफर और पोस्टिंग सर्विस का अहम हिस्सा है। सिब्बी के लोग पुरअमन शहरी हैं और प्यार बांटने वाले लोग हैं। सिब्बी के अवाम ने मुझे जो मोहब्बत दी है इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लवीज रसालदार मीर मोहम्मद आरिफ मरी की जानब से, लवीज लाइन और रहमतुल्ला सोमरू और स्टाफ की जानब से एसी ऑफिस में इनके एजाज में दिए गए अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर सिब्बी तहसील के चेयरमैन जकातो उशर कमेटी सिब्बी और सिब्बी के सीनियर सहाफी सलीम गुशकोरी ने अलविदाई मुलाकात करके इन्हें पश्तो दस्तार पहनाया। इस मौका पर तहसीलदार सिब्बी नसीर अहमद तरीन, रसालदार लवीज मीर आरिफ मरी, अब्दुल मालिक बंगलजई, मोहम्मद अली लूनी, रहमतुल्ला सोमरू, वडेरा गुजीन गुशकोरी, बाबू कादिर हाड़ा और दीगर भी मौजूद थे। अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी अनायतुल्ला कासी का कहना था कि मैंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में अपने फराइज सर अंजाम दिए हैं और सिब्बी में अब फराइज सर अंजाम दिए हैं। यहाँ के लोग पुरअम, मुहिब्बे वतन और कानून का एहतराम करने वाले हैं और सिब्बी के शहरी प्यार और मोहब्बत बांटने वाले हैं। मैं इनके प्यार और मोहब्बत को हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने कहा कि कमिश्नर सैयद फैसल आगा, डिप्टी कमिश्नर सिब्बी डॉक्टर मोहम्मद यासिर बाजई और साबिक डीसी सैयद जाहिद शाह के साथ काम किया है। ये बहुत ही अच्छे और काबिल अफसरान हैं। उन्होंने हर मौका पर मेरी हौसला अफजाई की है। उन्होंने कहा है कि मुलाजमत के दौरान ट्रांसफर और पोस्टिंग सर्विस का अहम हिस्सा होता है। मैं जहां भी जाऊंगा इसी ओहदे पर रहूंगा और इसी तरह सरकार और अपने मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। सलीम गुशकोरी, मशरिक न्यूज़, सिब्बी।